1 अप्रैल 2010 को बेशक देश में शिक्षा के मौलिक अधिकार का कानून पास हो गया। अब यह सूरज नाम का बच्चा अब छोटी सी बचपन की उम्र में फैक्ट्री में लोहा ढोने के लिए मजबूर है और डब्बा उठा के जब उसकी कपड़े वर्दी यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाने की उम्र है, अब यह डब्बा उठाकर लोहा प्लांट में जा रहा है जहाँ इसका जीवन लोहे में ही मिल जाने का खतरा है और उसका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। तारदेवी, आप कब से रह रही हैं लुधियाना में? 20 साल से। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। तो आप इनको पढ़ाती क्यों नहीं है? क्या करें, जब नाम नहीं लिखा जाएगा तो क्या करेंगे। सूरज, स्कूल नहीं जाते आप? जाते थे पहले, अब नहीं जाते। कौन से स्कूल में जाते थे? सरकारी। तो अब क्यों नहीं जा रहे हो? नाम लिखवाने गया था। हाँ। तो कहते अभी नहीं लिख जाएगा। आपके जो बहन भाई है ये भी गए थे स्कूल में? हाँ। उनको क्या बोला? उनको बोला इनका भी पंजाबी नहीं आती, पंजाबी सिखा के लाओ। अच्छा, तो अब ये डब्बा उठा के कहाँ जा रहे हो? ड्यूटी। इतनी छोटी उम्र में ड्यूटी करके अच्छा लगता है आपको? नहीं। अच्छा, पढ़ना चाहते हो? हाँ। अगर आपको एडमिशन मिल जाएगी उस स्कूल में या किसी और सरकारी स्कूल में तो आप पढ़ेंगे? जी। तो ये जो बच्चा है इसकी उम्र तो काम करने लायक नहीं है अभी, इसको क्या करें? क्यों भेज रहे हो फिर? नहीं जाएगा तो यहाँ घूमेगा, किसी का नुकसान करेगा, तभी तो बंदा कहेगा कि हमारा ये बिगाड़ा, हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया। दुनिया भरे की बातें सुननी पड़ती है। तो इसको पढ़ाना नहीं चाहती आप? हाँ, पढ़ाना क्यों नहीं चाहते, जब नाम लिख जाएगा तब ना पढ़ाएंगे। ऐसे कहाँ पढ़ाए, ऐसे खेत देंगे कि जाओ वहाँ खड़े रहो। जब वो कह रहे हैं अभी नहीं लिख जाएगा तो अब किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। जब हमने स्कूल में जाकर प्रिंसिपल और अन्य अध्यापकों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको हमने मना किया हो, और हम आपको भी किसी भी तरह का वर्जन या किसी भी तरह की जानकारी कैमरे के सामने आकर नहीं दे सकते। शिक्षा के मौलिक अधिकार का कानून हो या फिर सर्व शिक्षा अभियान या अन्य कोई अभियान जिसके तहत बच्चों को, देश के भविष्य को संवारने का एक जिम्मा सरकारों ने उठाया है, लेकिन ये कानून बनते हैं, शिक्षा के अभियान चलते हैं केंद्र में हो सरकार या हो राज्य सरकार में, ये इम्प्लीमेंट होना या ना होना इनके अधिकारियों के ऊपर और कर्मचारियों के ऊपर निर्भर करता है। लुधियाना से इंडिया नहर के लिए जय कुमार।